अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में खुश आमदीद कहते हैं। नए आने वाले अहबाब अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताएंगे कपास की नई किस्म CS200। जी हाँ दोस्तों, चट्ठा सीड 200 के नाम से ये कपास की नई वैरायटी इस साल काश्त के लिए दस्तयाब है। CS300 भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे CS200 के मुतल्लिक। दोस्तों इस वक्त आप वीडियो में जो देख रहे हैं, ये किस्म CS200 है, ट्रिपल जीन वैरायटी है जिसमें ग्लाइफोसेट के खिलाफ रेजिस्टेंट है। आप इस कपास के ऊपर ग्लाइफोसेट स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिंक फ्री वैरायटी है, इसमें पिंक का हमला इंतहाई कम, और स्पॉटेड और अमेरिकन का जो है उसके खिलाफ भी इसके अंदर जीन मौजूद है। दूसरी बात यह है दोस्तों, ये वैरायटी अगर आप पौने दो से दो फुट के फासले पे लगाएंगे तो इसके शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। टींडे आपके सामने हैं, लड़ियों की शक्ल में टींडे लगते हैं और शानदार जो है वो पौधा पूरे का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक फल लेता है। यहाँ तक हम इसकी बात करें कि ये इसके अंदर खुराक के लिहाज से क्या खूबी है, तो दोस्तों दूसरी वरायटियाँ जैसा कि VH327 या BS49 की निस्बत ये वरायटी हैवी इनपुट वरायटी है। यहाँ पर आपको उनकी निस्बत यहाँ पर ज़्यादा खुराक डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये खुराक के अतबार से उनसे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खुराक लेती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली ये ट्रिपल जीन चट्ठा सीड कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई है और डेफिनेटली इस साल जो है ये मार्केट के अंदर दस्तियाब होगा। तो कोशिश करें पौने दो से दो फुट का फासला रखें यहाँ पर। और अगर इसके काश्त की बात है तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर काश्त की जा सकती है। सिंध के लिए तो दी बेस्ट वैरायटी है ये। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो जो इंडिया के इलाके पाकिस्तान के पंजाब के साथ लगते हैं और काफ़ी ज़रखेज़ और भारी ज़मीन वाले हैं, वहाँ पर भी इसकी काश्त की जा सकती है। तो दुआओं में याद रखें दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने इस चैनल को ताकि आपको आइंदा भी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।